टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर दोनों ही दिल्ली के खिलाड़ी हैं और दोनों ही अपने अपने हुनर में माहिर हैं। आपको बता दें कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच वो विवाद ऐसा था जिसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कर दिया। जी हाँ, हम गौतम गंभीर और विराट कोहली की साल 2013 आईपीएल में हुई लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच आईपीएल 2013 में हुई लड़ाई तो सभी को याद है और इसी के आधार पर दोनों के बीच दुश्मनी के कयास भी लगाते जाते रहे हैं। हालांकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि उनके बीच ऐसी कड़वी यादें नहीं हैं और दोनों खिलाड़ियों ने लड़ाई वाले दिन ही एक साथ डिनर किया था। दरअसल गंभीर के एक करीबी दोस्त ने बताया था कि गंभीर को कोहली या धोनी से कोई परेशानी नहीं थी, जैसा कि मीडिया में अक्सर दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि असल में विराट और गंभीर ने बेंगलुरु में आईपीएल 2013 में हुई अपनी लड़ाई के बाद ताज गार्डेनिया होटल में साथ बैठकर डिनर किया था, लेकिन मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं आई। गौतम विराट को चीक्स कहता है और विराट गौतम को भैया कहकर बुलाता है। दोनों की फेवरेट फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड है, फेवरेट वीडियो गेम प्लेस्टेशन है और दोनों ने इंदौर में जिम में टीम इंडिया के ट्रेनर शशांक बसु के साथ समय भी बिताया है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गंभीर और विराट के बीच लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी, ये भी सोचने का विषय है। साल 2013 में केकेआर बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जंग हो रही थी, जहाँ पर केकेआर की बल्लेबाजी के दौरान आरसीबी पूरे तरीके से स्लेजिंग कर रही थी। आरसीबी के सभी खिलाड़ी स्लेज कर रहे थे केकेआर की टीम को। गौतम गंभीर ने इस बात का खुलासा खुद एक इंटरव्यू में किया था, जिसके बाद जब जवाब में आरसीबी बल्लेबाजी करने उतरी तो गौतम गंभीर ने भी स्लेज करना शुरू किया। बस इसके बाद विराट और गंभीर के बीच बात शुरू हो गई और बात बिगड़ने तक पहुंच गई। बड़ी बात यह रही कि टीम के सभी खिलाड़ियों ने आकर बीच बचाव कराया, लेकिन विराट और गंभीर की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को मैदान पर ही काफ़ी आपत्तिजनक शब्द कहने लगे। हालांकि गंभीर ने इस बात का खुलासा किया था कि हम दोनों एक दूसरे की टीम के खिलाफ खेल रहे थे और अपनी अपनी टीम के लिए खेल रहे थे। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी तरह की चीज़ों को आगे लेकर चले। मैं अपनी टीम के लिए खेल रहा था और विराट अपनी टीम के लिए। हाँ, मैदान में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके बाद किसी का भी दिमाग खराब हो जाता। इसके बाद हमने एक साथ बात की और हम दोनों एक साथ ड्रेसिंग रूम में भी गए। गंभीर ने यह भी कहा कि हम दोनों ने उसके बाद एक साथ डिनर भी किया था। गौतम गंभीर और विराट की लड़ाई अब तक याद है और वो आईपीएल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में से एक है। हालांकि मौजूदा समय में गंभीर क्रिकेट छोड़ चुके हैं और राजनीति में आ चुके हैं, वहीं विराट अपने बल्ले का जौहर हर किसी को दिखा रहे हैं। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।